हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मजदूरों के पलायन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा, 1 करोड़ लोगों को रेल और सड़क रास्ते से उनके घर भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा, देश भर में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का काम 15 दिन में होना चाहिए। अब मजदूरों को वापस काम पर लाने की कोशिश शुरू। पंजाब से बिहार लौटे मजदूरों के लिए कंपनियां अब भेज रही हैं बस। यूपी के बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली, 3 बच्चे भी थे। सुसाइड नोट में लिखा, लॉकडाउन में खाने तक का संकट था। यूपी के गाजियाबाद में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। साइकिल फैक्ट्री बंद करने पर श्रम विभाग ने एटलस कंपनी को नोटिस भेजा। पूरे देश में कल कोरोना के करीब 10,000 नए केस रिपोर्ट हुए। कल 273 लोगों की मौत भी हुई। अभी देश भर में 1,10,000 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली मेट्रो के 20 स्टाफ को कोरोना इन्फेक्शन होने की पुष्टि हुई। दिल्ली मेट्रो ने कहा, सबको लक्षण ज्यादा नहीं है, तबीयत सबकी ठीक है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर के सचिव को कोरोना संक्रमण हुआ। पिछले 10 दिनों से बीमार होने पर छुट्टी पर थे। विधानसभा स्पीकर ब्रांच सील हुई। एमपी के भोपाल में नव दुर्गा मंदिर में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया। पुजारी ने कहा, सैनिटाइजर मतलब अल्कोहल यानी शराब मंदिर में नहीं आनी चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस के बाद देश भर में मंदिर खोलने की तैयारी तेज। दिल्ली के हनुमान मंदिर में सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया। एक बार में 5 से 10 श्रद्धालु ही मंदिर परिसर में आएंगे। मस्जिद खोलने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लखनऊ की मस्जिदों में साफ सफाई चालू, दूरी रखने के इंतजाम भी किए गए। 8 जून से खुलने हैं सभी धार्मिक स्थल। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से भी तस्वीरें आई। गुरुद्वारा में सुरक्षा कड़ी हुई। गुरुद्वारे के अंदर पवित्र किताबें छूने पर पाबंदी होगी। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में टूटा लॉकडाउन का नियम। चंद्रग्रहण से पहले पूजा में पुजारी बिना मास्क लगाए नजर आए। दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन अब महंगे हुए। एक तरफ की यात्रा का किराया 1,045 रुपए से बढ़कर 1,730 रुपए हो गया है। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने 10 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला। यहां कोरोना मरीजों को रखने के लिए 160 बेड का इंतजाम किया गया है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्य के 11 जिलों में हर वीकेंड पर पूरा शटडाउन का आदेश दिया। घर से बाहर निकलना मना होगा। केरल के पलक्कड़ हथनी मौत मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। हथनी को पटाखे वाला फल खिलाया था जिससे हुई थी उसकी मौत। ग्रेटर नोएडा में डंपर बैक करने के दौरान हादसा। नहर में गिरते हुए डंपर की तस्वीरें वायरल। बिजली का खंभा भी चपेट में आया। ड्राइवर सुरक्षित। यूपी के प्रतापगढ़ में कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हुई। कार से ये लोग राजस्थान से बिहार जा रहे थे। मरने वालों में 2 बच्चे भी। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में गजराज की गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल। जंगल से सड़क पर आए हाथी, ट्रैफिक को रोक दिया, गाड़ी को पलटने की कोशिश की। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने फैलाई दहशत। सड़क पर बाघ के आने से गाड़ियां रुकी रही। वन विभाग की टीम अब बाघ की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मोर्टार शेल धमाका कर नष्ट किया। जांच जारी है कि कहां से आया ये जिंदा मोर्टार गोला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। कल रात से पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा जारी। भुवनेश्वर में तहसीलदार के दफ्तर में घूस लेने के आरोप में महिला क्लर्क गिरफ्तार। जमीन विवाद में 1.25 लाख घूस लेने का आरोप है। यूपी में टीचर घोटाले का नया खुलासा।
एक महिला टीचर ने 25 स्कूलों में एक साथ काम करने के नाम पर 13 महीने में 1 करोड़ सैलरी ली। सरकार ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का थप्पड़ मारते वीडियो वायरल। मार्केट कमेटी के सचिव से हुआ था झगड़ा। कोरोना की वजह से सरकार अभी कोई नई योजना शुरू नहीं करेगी। पहले से घोषित योजनाओं को पूरा करने पर जोर। पैसा बचाना है मकसद। निसर्ग तूफान से तबाही का जायजा लेने के लिए आज सीएम उद्धव ठाकरे ने किया महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का दौरा। रायगढ़ के अलीबाग से टकराया था चक्रवाती तूफान। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात के एक और कांग्रेस विधायक ब्रजेश मिर्जा ने विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा दिया। अब तक 3 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बलेंदु शुक्ला ने कांग्रेस ज्वाइन की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया आज स्वागत। लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को फिर सदन भेजने की तैयारी। सोनिया गांधी ने कर्नाटक से राज्यसभा भेजने पर मुहर लगाई। उत्तराखंड में कल रात रुक रुक कर बारिश हुई। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर कई जगह चट्टान टूट गई। फसलों को भी ओलों से नुकसान हुआ। केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों की टीम ने आज नॉर्थ 24 परगना में उम्पुन तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस तूफान के लिए मोदी सरकार ने 1,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार के साथ अपने घर पर पौधा लगाया। तमिलनाडु के मदुरई में वैकासी विसाकम त्योहार की धूम। मुर्गन मंदिर में पूजा अर्चना हुई। श्रद्धालुओं को आज आने नहीं दिया गया।